बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां विभव को, जहां अरविंद केजरीवाल के पीए विभव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में लिया। जिस तरह से उन पर संगीन मामला है, गंभीर आरोप है, एफआईआर दर्ज, और उसके बाद से उनकी तलाश हो रही थी। चलिए सीधा डिटेल हासिल करने के लिए अरविंद ओझा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, जानकारी दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से विभव को हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने, सूत्रों के हवाले से जो आशुतोष हमें खबर मिल रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि विभव लगातार, जो पुलिस सूत्र है वो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए चकमा दे रहे थे, और जब एक स्पेसिफिक इनपुट मिला कि जो विभव कुमार है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में ही है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आनन फानन में वहां पर पहुंची। हालांकि दिल्ली पुलिस ये भी करती कि रूटीन जांच के लिए पहुंचे हैं, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट था जिसके बाद विभव, दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस के अंदर गई और वहां से विभव को हिरासत में लेकर अब दिल्ली के सिविल लाइन अस्पताल लेकर जाया गया है और कुछ देर बाद ऑफिशियल अरेस्टिंग डाल दी जाएगी विभव कुमार की। तो अपने आप में बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है कि जिस विभव कुमार को एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस तलाश रही थी, लोकेशन लगातार ट्रैक कर रही थी, यहां तक कि विभव कुमार ने एक मेल भी किया था दिल्ली पुलिस को, स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी, उसका आईपी एड्रेस भी निकाला गया था। अब यह देखना होगा कि विभव कुमार किस तरह से दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन अगर ऐसा है अरविंद, तो ये भी अपने आप में बात है कि जानकारी होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पत्नी, परिजन या फिर और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इन्फॉर्मेशन पुलिस को सूचना देने की बात नहीं समझी कि जिस आरोपी को तलाश रही है दिल्ली पुलिस NCW, वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही मौजूद है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब ये जांच का विषय है, लेकिन ये जांच में सामने आएगा कि किसने मदद की, क्यों मदद की। लेकिन बिल्कुल, एक आरोपी जिस पर FIR दर्ज है, संगीन धाराएं लगी हुई हैं और दिल्ली पुलिस उसको तलाश रही थी, उसका सीएम मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया जाना, और जाहिर सी बात है कुछ देर बाद गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस दिखाएगी ऑफिशियली तौर पर, लेकिन हिरासत में लिया गया। और चौंकाने वाली बात है कि स्पेशल ब्रांच ने एक इनपुट दिया दिल्ली पुलिस को कि विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लेकर गुपचुप तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हो गई। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर विभव कुमार को गई है और बिल्कुल कुछ देर बाद उनको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार भी कर लेगी दिल्ली पुलिस की टीम। और अरविंद, जरा आप तो बहुत लंबे अरसे से आप कवर करते रहे क्राइम, जरा ये भी डिटेल बताइए, दर्शकों को जानकारी दीजिए कि जिस आरोपी को मान लीजिए पुलिस तलाश रही है, उसका अगर कोई बचाव करता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको अगर बचाने की कोशिश की जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी मामला बनता है। बिल्कुल, मामला बनता है, अगर दिल्ली पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित किया था दिल्ली पुलिस ने, यह किया था या नहीं किया था, लेकिन बिल्कुल अगर कोई मददगार है, कोई आरोपी, अब यह डिस्क्लोजर में सामने आएगा, विभव कुमार गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ होगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उसके डिस्क्लोजर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, उनसे सबसे पहले स्वाति मालीवाल केस को लेकर पूछताछ होगी कि क्या मारपीट हुई थी 13 मई को घटना में, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बाद फिर आगे की पूछताछ होगी, उसमें डिस्क्लोजर में होगा सब कुछ। जी अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार हम सीएम आवास का रुख करते हैं, वहां पर हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त क्या अपडेट, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या है तस्वीर, क्या है जानकारी, ये पूरी डिटेल आप दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर हम पिछले एक घंटे की बात करें, अगर पूरे एक घंटे की घटनाक्रम की बात करें, तो एक काली गाड़ी कुछ देर पहले इसी गेट से एंटर करती है, जिस गाड़ी के पहुंचने के पहले से ही ऐसा लग रहा था कि पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई थी कि ऐसी इस नंबर की गाड़ी आएगी तो उसे सीधी एंट्री देनी है, क्योंकि ये सब कुछ जो गेट है, जो बैरिकेड है, सब कुछ ओपन था और वो गाड़ी बड़ी तेजी से अंदर की तरफ जाती है और उसी के बाद ये हलचल तेज हो जाती है और जानकारी दी जाती है शायद पुलिस को, क्योंकि एक मेल भी किया गया था विभव की तरफ से कि उसे जानकारी मिली है कि भाई उसके खिलाफ FIR दर्ज है और उसने भी शिकायत दी और वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है। तभी SHO जहां पर केस दर्ज है और एडिशनल DCP यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर विभव को हिरासत में ले लिया जाता है और विभव को हिरासत में लेकर के पुलिस की टीम थाने की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद ही यहां से जानकारी मिली कि चूंकि सांसद सुबह पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, बहुत दिनों के बाद जब वो पहुंचे थे दिल्ली, तो सीधे यहां पर जब आए थे तो वो यहां से निकलते और वो थाने की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है, पुलिस की हिरासत में है, अब गिरफ्तार। लेकिन गजब का नाटकीय घटनाक्रम है हिमांशु, क्योंकि सीएम आवास सुर्खियों में है, अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में है, यहाँ पर एक महिला के साथ मारपीट की जाती है। सर, दिखाइए।
बात करकर इतना सब कुछ हुआ, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ पे संजीव की बात करने की कोशिश की, लेकिन ये कोई बात नहीं की। आशुतोष, आप देख सकते हैं वो सीधे अंदर चले गए, वो आए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने माइक भी लगाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया का भी लगातार इंतजार है। कुछ देर पहले ही संजीव झा यहाँ से निकले थे और निकल करके सीधे, जब अरविंद केजरीवाल ही कुछ मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर, तो हो सकता है अभी पार्टी के जो बाकी के नेता हैं, लीडर्स हैं, मंत्री हैं, वो इंतजार कर रहे हों अभी गाइडलाइंस का कि क्या बोलना है, क्योंकि अभी तमाम सवाल किए गए मीडिया कर्मियों से इस पूरे मामले में, इस घटनाक्रम को लेकर, स्वाति मालीवाल विवाद को लेकर, तो अभी किसी ने भी कुछ साफ तौर पर कुछ कहा नहीं है। सिर्फ घुमाने की कोशिश हुई है, वो उसमें रेवन्ना की एंट्री हो जाती है,